नई लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे बीबीके न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस बेल आइकॉन को भी जरूर दबाए ताकि आने वाली नई वीडियोस आपको मिलती रहे। 29 मार्च नई दिल्ली CRICKET NMORE। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान स्टीव स्मिथ ने गुरुवार को गेंद से छेड़खानी विवाद के लिए माफी मांगी। बेहद उदास दिख रहे स्मिथ यहां एक संवाददाता सम्मेलन में कई बार रो पड़े। उन्होंने कप्तान होने के नाते इस घटना की पूरी जिम्मेदारी ली और अपने किए पर माफी मांगी। क्रिकेटर दिनेश कार्तिक की वाइफ दीपिका है बहुत खूबसूरत, देखे पिक्स। स्टीव स्मिथ का रोते हुए वीडियो काफी वायरल हो रहा है। हर किसी को स्टीव स्मिथ को रोते हुए देखना हर किसी के लिए इमोशनल करने वाला है। ऐसे में दिग्गज गौतम गंभीर ने ट्विटर पर स्टीव स्मिथ को लेकर एक खास बयान दे दिया है। गंभीर ने लिखा कि स्टीव स्मिथ को वो एक ऐसे खिलाड़ी के तौर पर जानते हैं जो अपनी टीम को हमेशा जीतते हुए देख सकता है। स्मिथ के बारे में गंभीर ने कहा कि भले ही जो हुआ वो निराश करने वाला रहा है, लेकिन स्मिथ को भ्रष्ट खिलाड़ी नहीं कहना चाहिए। गौरतलब है IPL 2018 में इस बार गंभीर दिल्ली डेयरडेविल्स की टीम के तरफ से खेलते हुए दिखाई दी गई।